नमस्कार जय हिंद दोस्तों दोस्तों बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी का तो अगर आप सभी लोग चाहें तो मार्केट से किताब जो है खरीद सकते हैं मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका सीरीज यानी दरोगा सीरीज का टू आपका है और इसमें आपका बीस प्रैक्टिस सेट दिया गया ठीक है दोस्तों कल आपका वीडियो नहीं आ पाया इसकी वजह से क्या है कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया बुखार बहुत तगड़ा पकड़ा है ठीक है इसकी वजह से देखिए आज भी वीडियो जो आ रहा है लेट से ही आ रहा है नहीं तो सबसे पहले वीडियो हम ही आपको प्रोवाइड कराए थे आने वाले समय में भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सेट नंबर टू हम देख लेते हैं तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका टू है चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा क्वेश्चन को देखिएगा ठीक है देखिए पहला हमारा प्रश्न है सूची एक को जो है सूची दो में मिलान करके बताना है चलिए मिला लेते हैं इसको हम देखिए यहाँ पर ये गया है पेंट्यवला जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा समुद्री पिक्च हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जाएगा और गोरगोनिया जो है दोस्तों ये आपको, दोस्तो आपको हो जाएगा समुद्री व्यंजन हो जाएगा मैंड्रीना जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा ब्रेन कोरल है ना एक सेकेंड और जो एडम सिया जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा समुद्र एनीमोन हो जाएगा तो आराम से आप जो है ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा तो डिस्कशन हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे इस सेट में आगे वाले सेट में डिस्कशन कराया जाएगा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा है तब बोलने में भी दिक्कत हो रहा है ठीक है बोला कि फर्डम सर्फ सर्फ डम संबंधित किससे देखिए जो आपका सर्फ डम है दोस्तों ये आपका संबंध रखता है कृषि दास्ता से किससे कृषि दास्ता से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सत्रह सौ इहत्तर का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था तो आप बोल सकते हैं तीसरे का हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर उन्नीस को अंकृत किया गया था मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो होगा यानी प्रभुत्व संपन्न संपन्न गणराज्य हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा कविता में कविता में धर्म निरपेक्षता के स्वर का समावेशन करने वाला पहला कवि कौन था तो पहला कवि की बात करते हैं तो कुली कुतुब कुतुब्सा दोस्तों कुली कुतुब कुतुब्सा क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे और क्वेश्चन डील करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका बोला है कि सड़क बनाई जाती है आपको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करके बताना है कौन इसमें आपका सही होगा तो दोस्तों रोड्स आर बिल्ड है ना तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सिक्स का जो है बी होगा इसके आगे देखेंगे तो मैथ का प्रश्न दिया गया है तो आराम से आप मैथ बना लीजिएगा आते हैं एट नंबर पे बोला कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं तो सभी को पता है कि वर्तमान में अगर हम रामसर के स्तर की बात कर लेते हैं तो फिलहाल में अभी सेवेंटी फाइव है ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा और पहला रामसर स्थल की बात करते हैं तो चिल्का झील जिल को मान्यता प्राप्त हुआ है ठीक है हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन वन अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है तो यह आपको देखने को मिलता है गोवा में कहाँ पे गोवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसुदरी विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा यानी पैप्टोटीन हो जाएगा चौथा हमारा है पैकेटिंग हो जाएगा पहला हमारा है डिप्लोटीन और सी बोला है कि डाइका डायका सेंसिस हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी याद रखिएगा विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं दुर्लभ मुद्रा कहते हैं क्या कहते हैं दुर्लभ मुद्रा ऑप्शन नंबर सी स्थलीय परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है देखिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा सदैव सीधा होता है क्या होता है सदैव सीधा होता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा निम्नलिखित में से किससे या फिर किस क्षेत्र से मिथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है मिथेन उत्सर्जन तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्र भूमि दोस्तों आद्र भूमि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसमें आपको बोला कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा तो सही बताना है देखिए इसमें आपका दो और तीन सही होगा जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है हर अपवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है तो ऑप्शन नंबर दो और तीन सही होगा निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है देखिए रामायण का फारसी भाषा में दोस्तों जो है अनुवाद किसके द्वारा किया गया है बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका देखिए सही आंसर जो है पंद्रह का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बदावनी हो जाएगा दोस्तों बी आप अच्छे से याद रखिएगा वही बात करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो एक फैजी का भी नाम आता है जो गणित की पुस्तक का अनुवाद जो है फ़ारसी में किया था ठीक है ये देखा अगला हमारा है निजामुद्दीन अहमद का तो तबकात ए अकबरी के रचनाकार इन्हीं के द्वारा किया गया है चलिए मैथ रेंजिंग हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे जीके जीएस फोकस रहेगा हमारा बोला कि इनमें से कौन सा शब्द है कादम्बरी का समानार्थी नहीं है उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मी नहीं है बाकी मैना है सरस्वती है और मदिरा है उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था उत्तर हो जाएगा निजाम उल मुल्क के लिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा देखिए बिहार ऐसा के लिए आपको पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है अब आपके पास समय भी नहीं है तो रिवीजन करने के लिए आप टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं ये रहा व्हाट्सएप नंबर सतासी छप्पन चौवन पैंसठ तैंतीस आप इसे जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए आपको जानकारी मिल जाएगा नए संसद भवन में कुल कितने सीटों की संख्या कितनी है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा बारह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा और इसी के उद्घाटन के मौके पर अगर हम देखें तो पचहत्तर रुपया का जो है सिक्का भी जारी किया गया था ये इम्पोर्टेंट है पंचानवे ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में जो है चुना गया है तो आप सभी को याद ही होगा दोस्तों ट्रिपल आर का जो गाना निकला गया निकला था नाटू नाटू उसी को जो है और इसके संगीतक कौन है तो संगीत की बात करते हैं तो एम एस कीरावानी है नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसकी तस, आ, इसकी चाल बढ़ जाती है और या फिर तथा यह अभिले अभिलम्ब से दूर हट जाती है ऑप्शन नंबर हमारा जो है थर्टी वन का ट्वेंटी वन का डी होगा निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है यानी कौन कौन हमारा इसमें गलत है तो गलत ही हमको बताना है दोस्तों चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं क्या है हमारा इसका सही आंसर देखिए इसमें आप देखेंगे तो सोलह जो है दोस्तों अनुच्छेद यही हमारा गलत है अनुच्छेद 16 जो है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है बाकी अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान अनुच्छेद बाईस जो है आपका निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा अनुच्छेद 20 जो है आपका दोहरे दंड पर रोक सही है सब निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं यानी कौन हमारा इसमें गलत है देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा संगाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया है यही हमारा दोस्तों गलत है बाकी सब सही है देख लीजिएगा आप लोग ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था तो ये दोस्तों किया गया था आपका लपलास के द्वारा ऑप्शन नंबर हमारा जो है चौबीस का बी होगा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है तो हरित लवक केंद्रक सूत्र सूत्र कर्णिका हो जाएगा आप अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है कोर सेक्टर के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन छब्बीस नंबर उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम नहीं आता है बाकी कोयला आता है सीमेंट आता है और रिफाइनरी उत्पाद भी आता है माता के दूध आंसू एवं लार में कौन सा आ, इम्यूनो ग्लाबुलिन उपस्थित रहते हैं उत्तर हो जाएगा आई ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर होगा आहार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है सही हमारा कौन सा है देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग आंसर कर दिए होंगे 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था ऑप्शन नंबर हमारा जो है अट्ठाइस का डी सही हो जाएगा बोला कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह युद्ध जो है सत्तर पचहत्तर से अट्ठाइस पचहत्तर से बयासी तक चला था युद्ध का समापन जो है सालबाई की संधि से हुआ है संधि उपरांत अंग्रेज जो है बीस वर्ष के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गया थे सभी सही है अगला कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका एथेनॉल और सी ओ टू दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है तो दूरदशा हो जाएगा दोस्तों दूरदशा ऑप्शन नंबर ए पुरुष हॉकी टीम पुरुष हॉकी विश्व कप और तेईस का वेता जो है कौन सा देश रहा है ये करंट अफेयर का प्रश्न है इसका देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा क्या होगा जर्मनी ठीक है तो आप अच्छे से याद रखिएगा हाल ही में जारी फार्चून ग्लोबल 500 के सूची में भारत कौन से कंपनी टॉप रही है कौन सी कंपनी जो है भारत की टॉप पे रही है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा मैथ कहे इसको छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे निम्नांकित में से कौन युद्ध युग में जो है सुमिलित नहीं है कौन हमारे इसमें गलत है बताइए तो माउंट टिटली जो है दोस्तों आपका फिनलैंड यही हमारा जो है गलत हो जाएगा यह आपका स्विट्ज़रलैंड होना चाहिए स्विट्ज़रलैंड बाकी जागरो जो है ईरान और एपे नाइन जो है आपका इटली ड्रैगन्स बर्ग जो है आपका दक्षिण अफ्रीका ये सब सही दिया गया है आगे है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो बड़ा पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा न्यू गिनी हो जाएगा दोस्तों न्यू गिनी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया अगर मान के चलिए ऑप्शन नहीं होता तो पहले पे आपका जो सबसे बड़ा है आपका द्वीप वो आपका ग्रीनलैंड है ठीक है दूसरे पे आपका आता है न्यू गिनी निम्न में से कौन सा कुल एक बीजीय पत्र का है उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा सैंतीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोएसी म्यूजेसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों व स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दिए गए सूचियों को आपस में मिलाइए नेतृत्वकर्ता कौन है क्या है तो चलिए इसको अच्छे से हम देख लेते हैं क्या इसका आंसर निकलेगा आप भी थोड़ा सा ऑप्शन देख लेंगे तो आंसर करने में आसानी होगा देखिए आंसर दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे सी सही होगा स, हैदर हैदरजा की बात करते हैं तो दिल्ली चिदम्बरम पिल्लई की बात करते हैं मद्रास लाल लाजपत राय जो है हो जाएंगे पंजाब आ, मतलब चिदम्बरम पिले जो है मद्रास होगा और हरी सर्वोत्तम राव की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा लाल लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो एक और दो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए स्वराज पार्टी गठन में लाल लाजपत राय की आ, राय भी दोस्तों इसमें शामिल हुए थे ये सब सही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा सही है तो सही की बात कर लेते हैं तो किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं किसी तत्व के एक आ, किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा से या फिर लोकसभा के कम से कम कितने सदस्य दोस्तों यहाँ पे समर्थन की जरूरत होता है उत्तर हो जाएगा पचास ऑप्शन नंबर सी होगा नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या हमारे इसमें सही है क्या हमारा गलत है तो देखिए डाबेराइन ने बताया है कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखे रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो जाएगा ठीक है गलत पूछा गया है आगे देखेंगे वह दो का मेजर ध्यानचंद और खेल रत्न पुरस्कार जो है किसने किसको दिया गया है दोस्तों ये जो आपका दिया गया है याद रखिएगा शरत कमल को ऑप्शन नंबर डी होगा निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध बो, शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किया गया है उत्तर क्या होगा 44 का तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है पैंतालीस नंबर चलिए बोला कि सलजम में वाटर कोर रोग जो है दोस्तों ये आपका मैग्नीज़ है ना आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ब्रोमिन बोरिन बोरोन लिखा गया है ना बोरोन हाँ नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है दोस्तों ये आपका कॉपर टमाटर का ब्लासम एंड रॉट रोग जो है आपका कैल्शियम से होता है निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सम्मिलित नहीं है पवन और देश दिया गया है बताइए क्या होगा तो मिस्ट्रल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया यही हमारा दोस्तों गलत है अगला है कि अरवणक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है उत्तर हो जाएगा उदासीन तरंगों का मूल रूपांतर ऑप्शन नंबर डी होगा आज्ञा अपराध में मुस्लिम अधिकारी तो आरोपों को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ऑप्शन नंबर बी आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप का आशय आई की किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है आंसर हो जाएगा धारा 306। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ज्ञान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था तो ये आपका 2005 में किया गया था ऑप्शन नंबर ए सही होगा चलिए तो क्या नंबर हमारा कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है इसका आंसर देखिए हो जाएगा ए सी डी शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकना सी है कि व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है डी हमारा है कि व्यायाम तनाव हार्मोन के शराब को कम कर सकता है तो सी हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा बोला कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है उत्तर हो जाएगा नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना ठीक है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सत्य सुधक समाज की स्थापना किसने किया था सभी को पता है दोस्तों राव फूले ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं बोला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है भारत के बारे में सही नहीं यानी कौन हमारा गलत है भारत के बारे में तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सही नहीं है तो एक तीन चार हमारा गलत है एक तीन चार गलत है जो सही उसको देख लेंगे भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है ये हमारा दोस्तों सही हो जाएगा आगे प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लेमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूँछ पर प्रयोग करने के लिए पूँछ को इक्कीस बार काटा था उत्तर हो जाएगा 22 समान ऑप्शन नंबर सी होगा किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के समान एक अर्धचालक युक्ति का संयोजक किया गया है पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्कृष्ट करना चाहें उत्कृष्ट कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है यह युक्ति कौन कौन सी हो सकती है ऑप्शन देख लीजिए बताइए इसका आंसर क्या होगा देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दिया गया है उत्तर देखिए हो जाएगा अंठावन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 240 ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत लेंसों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यह आपका टंगस्टन हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो साठ नंबर आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है तो बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा है ठीक है इसका आंसर आपको हम बता देते हैं आप आराम से मिला ही लीजिएगा देखिए मारसीला की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तीसरे में और ओलम्प दे गुज जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा चौथा और गिलोटिन जो है दोस्तों ये आपका दूसरा और जो चौथा है हमारा पहले में हो जाएगा आराम से आप, आप वीडियो रोक के बना लीजिएगा अब ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी ऑप्शन नंबर डी सही होगा अब यहाँ पर भी दोस्तों मिलान ही वाला क्वेश्चन है चलिए मिलाते हैं देखिए ई ओ जी है ना ई ओ जी है दोस्तों आपका हृदय मतलब चौथा में जाएगा जो कि चौथा आपका इसमें दिया नहीं गया है आगे देख लेते हैं ई सी जी आपका हो जाएगा हृदय ई एम जी ई एम जी दोस्तों हो जाएगा आपका मांसपेशी तो अभी दूसरे पेज पे दे दिया गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है मिलाने में तो आप ऑप्शन जान लीजिए आराम से आप इसको अपने अनुसार मिला लीजिएगा डी होगा इसका सही आंसर हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के बड़े आ, रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है तो दोस्तों ये आपका केरल का रहा है ऑप्शन नंबर बी सही होगा हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जी टैग मिला है तो दोस्तों ये किसको मिला है बताइएगा देखिए पैंसठ का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर बी होगा पेब्रिन रोग होता है पेब्रिन रोग दोस्तों ये जो आपका पेब्रिन रोग होता है आपका रेशम के कीड़ों से होता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा संविधान निर्माण हेतु तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुआ था देखिए अगर हम कुल बैठक की बात कर लेते हैं तो सड़सठ का आप अच्छे से याद रखिएगा ग्यारह बैठक हुआ था दोस्तों ग्यारह बैठक ऑप्शन नंबर सी होगा निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल आ, प्रवाल द्वीप जो है पाए जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा क्या होगा लक्षद्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा आगे के बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है गंगा किनारे पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बारह हो जाएगा कितना होगा बारह ठीक है तो जैसे बक्सर भोजपुर सारण वैशाली पटना समस्तीपुर बेगूसराय लखीसराय मुंगेर खगड़िया भगलपुर और कटिहार ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा मैथ का है बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसमें आपका सत्य कौन सा है उसी को बताना है सेवेंटी वन नंबर तो सेवेंटी वन देखिए ना तो एक सही है और ना ही दो। दोनों ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है आगे है बोला कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दूसरा पंचवर्षीय योजना ठीक है दूसरा पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा भूलिएगा नहीं कार्बन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार या फिर कौन सा कथन जो है हमारा सही है तो सही देखेंगे तो केवल एक हमारा सही है प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विधिक रूपों में जाता है तो यही हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है दोस्तों इसका जो चौहत्तर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सम्यक सत्य आपका शामिल नहीं है बाकी सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र यह सब हमारा जो है शामिल है निम्नलिखित में से कौन सा कालीन अभिलेख जो है खरुष्टी लिपि में है तो खरोी लिपि देखिए मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर किया होगा शहबाजगढ़ी ठीक है मैंने आ, क्या बोलते हैं कि नोट्स करवाया था ज्ञान बिंदु का है इतिहास का तो उसमें देखिए क्वेश्चन था अगर आप उसको अभी तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा डायरेक्ट आपका बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक, एक ही तत्व की भिन्न भी, ऑक्सीकरण संख्या है? नहीं दर्शाती है तो नहीं दर्शाती है दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा एफ ई टू ओ थ्री हो जाएगा बिहार किस जिला में किस जिला में गाय शोध संस्थान की स्थापना किया जाएगा उत्तर हो जाएगा दोस्तों बक्सर में कहाँ पे? बक्सर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन और तेईस का खिताब जो है अपने नाम किया है तो इसका सही आंसर देखिए सेवेंटी एट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईगा सुख ईगा सुख महिला में है आगे है केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ है पद का उद्भव हुआ है उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 उन्नीश। भारत सरकार अधिनियम 1919 उन्नीश हो जाएगा निम्न से में से कौन रासायनिक प्रदूषक है इनमें से आपका रासायनिक प्रदूषक कौन सा है तो इनमें से सभी जिसमें से कैडियम निक, कैडमियम निकेल और मरकरी इंटर, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस कंजर्जेंस जो एक निम्न वायु दाब पेटी है उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा भूमध्य रेखा क्या होगा भूमध्य रेखा पर ऑप्शन नंबर सी होगा आते हैं अगले प्रश्न पे निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं हैं वे मानवीय संसाधन सॉरी वो मानवीय संबद्धता से बनते हैं तो ये किसका कथन बताइएगा तो ये आपका है जिमरमैन का है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा किसी विद्युत किसी विद्युत रो, विद्युतरोधी है ना निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेश कर सकता है तो स्थिर विद्युत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्त संचालन लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा तो व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने किस अनुच्छेद में वर्णित है तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद उनतालीस के ख में ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग डैश तक बनी रहती है तो ये दोस्तों जो बना होता है ये दशमल लो एक सेकेंड ऑप्शन नंबर बी होगा हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरे सबसे या फिर तीसरी अर्थव्यवस्था जो है बन जाएगा तो दोस्तों ये छियासी नंबर है ना तो छियासी का जो सही आंसर हमारा होगा दो हज़ार सत्ताईस तक दो हज़ार सत्ताईस तक तिरासीवाँ सॉरी तेईसवा एस सी ओ शिखर संविधान तेईस की अध्यक्षता जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है तो दोस्तों ये आपका भारत के द्वारा किया गया है किसके द्वारा भारत के द्वारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा पौधे के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है तो कौन सा तो दोस्तों आपका उपयोगी होता है तो कैल्शियम होता है क्या होता है कैल्शियम ऑप्शन नंबर सी अगला है कि यहाँ पे देखिए आपको खाली जगह भर के बताना है क्या होगा हमारा तो जान लीजिए इसको दोस्तों उत्तर हो जाएगा वेयर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है तो बी डबलू, एच ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही होगा अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति किसकी अनुमति किसी भी आनुवंशिक रोग से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है जैसे बीट, आ, बीटी बी पास भारत में किस केंद्र शासित मंत्रालय के अधीन है केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है तो क्या होगा इसका सही आंसर देखिए अगर हम इसका आंसर की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण एवं वन ऑप्शन नंबर बी होगा मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है तो मोडी लिपि ये क्वेश्चन हो चुका है मेरे हिसाब से कोई और सेट में तो मराठों से संबंध है ठीक है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा आगे है कि सोपान सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है तो इसको हम महाघट गर्ज हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा अगला कि सेंटोस द्वीप कहाँ पर अवस्थित सेंटोस द्वीप दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे तो यह आपको सिंगापुर में कहाँ पे सिंगापुर में ऑप्शन नंबर ए इंद्र सहानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है तो दोस्तों ये जो आपका संबंध है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन आपका सही है तो देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, का विस्तार यही हमारा दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न कथनों पर विचार कीजिए इसमें आपका सत्य कौन सा है तो अंठानवे का देखिए अमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझ अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तरह तह जो है घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा जाता है गिर जाता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक नंबर तेईस में भारत का कौन सा स्थान रहा है तो भारत का दोस्तों जो स्थान रहा है आपका तेरहवा बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2.48 परसेंट ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो गया है मेरा तबीयत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है मेरे कहने का मतलब यह है कि बुखार आ गया है ठीक है तो उसकी वजह से देखिए वीडियो भी नहीं आ रहा था और वीडियो में क्या है कि बोलने भी दिक्कत हो रहा है आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी आप वीडियो देखते होंगे तो किस तरीके से हमारा वीडियो होता था और अभी फिलहाल में कैसा है चलिए एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों जैसे ही ठीक होता है तो आपको फुल डिस्कशन के साथ ही करवाया जाएगा जो कि आपको करवाया जाता है चलिए आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम